और क्या हाल है दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल। तो बस आज निकले हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। आज है 5 सितंबर, ठीक है, 2022। टाइम हो रहा है भाई, टाइम आप लगा लो, हो रहा है, अभी चेक करके बताते हैं। टाइम हो रहा है यार लगभग 4:45, ठीक है, 4:15 पड़े हैं, ठीक है। तो अभी हम चल रहे हैं पहले देवेंद्र भाई के पास, देवेंद्र भाई को पिक करेंगे और देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है, ठीक है। मौसम अच्छा है यार, वैसे ना मेरा ना पता क्या सीन रहता है यार, हम यूट्यूबर का ही लगा लो यार, मोस्टली यूट्यूबर हम दोपहर को निकलते हैं कॉन्टेंट की तलाश में और अपनी ऐसी तस्वीर फिरवा के फिर घर को आते हैं, जब पूरा हुलिये का नाश बच जाता है ना, शक्ल पूरी ख़राब हो जाती है, तो बस शाम को निकलते हैं, फिर शाम से रात बड़ी जल्दी होती है, फिर उस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाते, तो बस ऐसी ज़िंदगी निकल जाती है यार। बट अब थोड़ा टाइम मैनेज करना है, टाइम की बहुत मतलब है ना, मैनेज करके चलना है टाइम को। तो भाई ऐसे ही चल रहा है, मतलब ठीक है, अभी देवेंद्र भाई को पिक करते हैं और देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है, हमें क्या सीन बनता है। और आवाज़ बताना क्या सही, मेरे पास आपको पता ही है GoPro का माइक वगैरह है नहीं, इसलिए मैंने बाइक अपना GoPro के ऊपर ना थोड़ा सा ना फोम चढ़ा रखी है, मतलब बुलबुसी है, मतलब फोम लगा लो यार, ठीक है, फोम चढ़ा रखी है इसके ऊपर, जिससे क्या होता है विंड नॉइज़ कम हो जाती है, अब विंड नॉइज़ कम हो जाती है फिर आवाज़ अच्छी आती है, ठीक है। आप बताना कमेंट करके आवाज़ ठीक आ रही है क्या, क्या हम या फिर हम माइक में है ना शिफ्ट करें। बाकी यहाँ पर है सेक्टर 26, सेक्टर 26 का ये कॉलेज वगैरह, ठीक है। तो फटाफट पहुँचती है सुखना लेक पर मिलेगा देवेंद्र भाई, ठीक है, तो फटाफट पहुँचते हैं और मिलते हैं आपको आगे। तो गाइस हम पहुँच गए सुखना लेक, ठीक है, तो देवेंद्र भाई आ ही रहा है, ठीक है, तो आगे चलेंगे, देखते हैं आज का क्या प्लान बनता है, ठीक है। आज कुछ मतलब कोई चंडीगढ़ में कोई इवेंट तो है नहीं, बट ऐसे ही भटकेंगे, देखेंगे कुछ कंटेंट मिलता है तो। अभी मैं रील्स देख रहा था तो मेरे मन में यही आइडिया आया कि भाई आज बाइक्स की रील बनाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, उस पर आएंगी बाइक्स के रिगार्डिंग रील्स, पल्सर आएगी और भी जो बाइकें मिली उसके ऊपर रील्स बना देंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा बहुत रील्स का फोटोग्राफ करेंगे, ठीक है, फोटो मतलब फोटोशूट भी करेंगे और इंस्टाग्राम के लिए रील्स भी बनाएंगे और दोनों के दोनों इंस्टाग्राम पर अपलोड होएगी, ठीक है। तो आज का कंटेंट यही है, ठीक है, बाइक्स की रील बनाना। तो गाइस वो आ रहा है देवेंद्र भाई, मैंने दूर से पहचान लिया, ठीक है, वो आ रहा है देवेंद्र, वो देखो दूर से देखो, इसको पता नहीं इसकी वीडियो बन रही है। तो गाइस हम आगे जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं मोहाली, मोहाली में फेस 8, ठीक है, वैसे घूमने जा रहे हैं और कोई जगह देख के ना, बढ़िया सी जगह देख के बाइक की फ़ोटोग्राफ्स क्लिक कर लेंगे, ठीक है, फ़ोटोज़ क्लिक कर लेंगे और रील्स वगैरह बना लेंगे जैसे भी होएगा, ठीक है। और मौसम थोड़ा अच्छा है यार, मतलब है ना, मतलब थोड़ा शाम होने वाली है तो मौसम भी अच्छा है, तो पहुँचते देखते क्या देखने को मिलता है। चंडीगढ़ में स्पीड कितनी तगड़ी लिमिट होगी है ना, कि क्या ही बताएं, कई कई जगह पर तो आप मानोगे 25 की स्पीड लिमिट है, मतलब लोग बाइकें गाड़ियाँ एक से एक ले रहे हैं, पावरफुल बाइकें, पावरफुल कार्स, बट चलाने की स्पीड क्या है, कई जगह 25 है और कई जगह पर 35 है, ठीक है, और मैक्सिमम 45 है। बट भैया चलो हमारी सेफ्टी के लिए जैसे भी है, बट रूट्स काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गए हैं ना, मतलब कभी कभी जो हमारे दिल में मन होता है ना बाइक तेज़ भगाने का, तो नहीं भगा पाते, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चलानी पड़ती है बाइक, ठीक है। तो बस पहुँचते हैं यहाँ से, बस 9 किलोमीटर की दूरी पर है, तो पहुँचते हैं देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है हमें, तो चलो चलते हैं आगे। तो गाइस अब चंडीगढ़ में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो अब चंडीगढ़ तो रहा नहीं, अभी ये बन गया कैमरागढ़, ठीक है, जगह जगह कैमरे हैं, ठीक है, जगह जगह स्पीड कैमरे, ऊपर से नॉर्मल कैमरे नहीं है, अगर आप हाई स्पीड में जाओगे तो बस फोटो क्लिक होगी, घर पे चलान पहुँचेगा। तो यार एक तरफ से देखा जाए हमारी सेफ्टी भी है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत शिकायत करते हैं कि हाँ भाई लेट हो गई है वो, बट देखा जाए हमारी सेफ्टी है और आगे आने वाले फ्यूचर में और भी कैमरे लग जाएंगे और भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लग जाएंगे, तो चलो ठीक है जैसे भी है। बाकी अभी मैं इस टाइम है सेक्टर 34A, वेट जो मिले अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए, बताओ यार, बंदे गिर रहे हैं, मेले झूले टूट रहे हैं, ये मेले नहीं हट रहे भाई, बताओ यार अगे से भाई, मेरे तो घर वालों ने कसम चढ़ा दी मेरे को भाई, मेले में नहीं जाना अब, ना झूलों में बैठना है। कल तो आपको पता ही झूला गिर गया एक दोस्त में, काफ़ी 15 लोग बैठे थे तो उनको काफ़ी इंजरी हुई है, उसकी वीडियोज़ भी सामने आई। तो बाकी चलते हैं देखते हैं आज क्या देखने को मिलता है हमें, ठीक है। बाकी मेलों में तो चलो जाऊंगा, बट झूले लेने का रिस्क नहीं लूंगा मैं कि हाँ ये रहा मेला, ठीक है, कि रहा इसकी ऑपोजिट साइड है वंडर मेला। तो भाई हर जगह मेले ही मेले, हर 2 कदम के ऊपर मेले देखने को मिल रहे हैं,
ऐसे ही चल रहे हिसाब किताब। किन्ना का रह गया वो कितने है गया है? मिला कितने है मिला किन्नी देखना बहुत ज़्यादा 800 तो आपका लगभग पहुँच ही गए हैं मेरे ख्याल तो। गाइस हम जिस काम से आए थे वो काम हो गया ठीक है, और अब हम चल रहे हैं मतलब कई लोकेशन देखेंगे अच्छी सी जहाँ पर हम फोटोशूट कर पाएँ ठीक है, थोड़ी बहुत रील्स ही बनानी है, बाकी देखते हैं यार आज क्या देखने को मिलता है यार। चंडीगढ़ में बिल्कुल भी कंटेंट नहीं बचा, तो कोशिश हमारी यही है कि हाँ भाई आपके लिए कॉन्टेंट ढूँढे नया नया फ्रेश फ्रेश ठीक है, तो सब्सक्राइब करके रखे ठीक है चैनल को। बाकी इस टाइम हमें सेक्टर 62 ठीक है, ये है फेस 8 मोहाली। ओके गाइस अगर आप कभी भी मतलब मोहाली आओगे ना आप ये नोटिस करोगे कि मतलब यहाँ के लोगों की जो ड्राइविंग है वो ज़्यादा रफ़ है। अगर आप देखोगे ना चंडीगढ़ में ड्राइविंग जो है वो लोगों की बहुत मतलब लिमिट में चलाते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं, बट अगर आप यहाँ आओगे यहाँ कैमरे वगैरह कम है ठीक है, अपना पंजाब स्टार्ट रहता है, लोग सिग्नल जंप करते हैं, और वहीं आप चंडीगढ़ में देखोगे तो भाई चंडीगढ़ में लोगों के अंदर खौफ होता है कि रूल्स को नहीं तोड़े हैं ना, तो बहुत फ़र्क है। आप जब यहाँ पर आओगे ना आपको महसूस हो जाएगा कि आप पंजाब में आ गए हो ठीक है, लोग सड़कें जंप करेंगे। है देविंदर भाई कभी तुमने नोटिस किया जब हम चंडीगढ़ से मोहाली साइड आते हैं तो लोगों की ड्राइविंग वो चेंज हो जाती है, यहाँ पर रूल्स सारे फॉलो करते हैं चंडीगढ़ में। हाँ वही तो, चंडीगढ़ में रूल्स फॉलो हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हाल है मोहाली में, क्या हाल है यहाँ पर लोग सिग्नल जंप कर रहे थे, इधर ना बहुत कॉमन है, और सबसे ज़्यादा ना यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। अगर आप खबरें सुनोगे ना कि BMW गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, ड्रिंक एंड ड्राइव, ये गाड़ी का लग्जरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना, यहाँ पर होते हैं, लोग पार्टी करते हैं ड्रिंक करके चला रहते हैं, जबकि चंडीगढ़ में खौफ होता है कि भाई ड्रिंक करके चलाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो चंडीगढ़ में जो कैमरे लगे हैं ना जितने भी, ये हमारी सेफ्टी के लिए लगे हैं, और जगह जगह पुलिस तो मिल जाती है। तेरे को अपना इस सड़क को पुलिस दिखी? फ्रेंकली बता भाई वो आज तक नहीं दिखी भाई कोई पुलिस की, कोई चौक पर खड़ा हो। चंडीगढ़ में जगह जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं जगह जगह, तो लोग सेफ महसूस करते हैं कि हाँ भी पुलिस है यहाँ पे, बट यहाँ पर पुलिस बहुत कम देखने को मिलती है, तो पता नहीं क्या इशू है भाई ठीक है। तो जैसा भी हमने आपको बता दिया ठीक है, फटाफट एंटर हो जाते हैं भाई, क्या कहते हैं चंडीगढ़ में एंटर हो जाते हैं, हमने मोहाली की बहुत बेइज्जती कर दी फिर मोहाली में हमें पकड़ ले ठीक है, तो हम चंडीगढ़ फटाफट पहुँचते हैं। तो गाइज आ गया हम सेक्टर 34 में, यहाँ पर बस सॉरी हमारे सेक्टर 17 में ठीक है, तो यहाँ पर बस एक जगह मिल गई, तो यहीं पर हम फोटोज रील्स बनाएंगे ठीक है, तो बताना आप कमेंट करके चंपा के लिए कैसी लग रही है बताना कमेंट करके ठीक है। अभी थोड़ा बहुत स्टिकर वगैरह कराएंगे, धीरे धीरे करके मॉडिफिकेशन आएगी ठीक है, तो चैनल पे बने रहें। मैंने कभी इसका प्रो मोड यूज़ नहीं किया फोन्स का, तो पंगे ले रहे हैं, जो सी फोटो अच्छी आएगी हम पा देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर ठीक है, जो सी अच्छी नहीं आएगी वो डिलीट मार देंगे, बट बढ़िया बढ़िया फोटो तो आपको देखने को मिलेगी। हाँ जी गाइस तो हम आ गए थे सेक्टर 17 से ठीक है, तो थोड़ा घूमे फिरे, शॉर्ट्स वगैरह लिए, फोटोज क्लिक की, तो जो आज रील्स है ये ना यार मज़ा आ गया देख के, मतलब यार खुद के हाथों से क्या बन गया ना, इतनी खुशी हो रही है भाई। हम तो पंगे ले रहे थे कैमरे से, ऐसी एक्सपोजर वगैरह की सेटिंग छेड़ रहे थे, और किसी तरह से वीडियो बहुत अच्छी आ गई है ठीक है। मैं अपना बाइक्स के रिगार्डिंग रील्स वगैरह बनाऊंगा, तो चेक करें बताएं कैसी लगी आपको, जो मेरा इंस्टाग्राम है ना जो मेरा इंस्टाग्राम है ना उसके ऊपर ना बाइकिंग के रिगार्डिंग रील्स वगैरह होगी, यूट्यूब के रिगार्डिंग होगी ठीक है, मतलब आपके काम के समान होगा, तो ज़रूर चेकआउट करें मेरा इंस्टाग्राम पेज ठीक है। तो चल रहे हैं फटाफट, अब देखते हैं देविंदर भाई को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं शायद जाऊँगा ईशान के घर पर,
या खुद के घर ही चल जाऊँगा यार, है ना। तो घर जाएंगे, आराम करेंगे, तो मिलते आपको ठीक है देवेंद्र को ड्रॉप करने के बाद। ओके देवेंद्र भाई, मिलते हैं भाई। ओके भाई। तो गाइस देवेंद्र भाई जा रहे, देवेंद्र भाई ने अपनी साइकिल यहाँ पे लगाई थी, तो चल रहे हैं घर को। और आज यार जो रील्स आई है ना यार, मैं खुद हैरान हूँ एक्चुअली ना, जो इंस्टाग्राम है ना, इसके अगर आपने वो होना है, क्या कहते हैं, वायरल होना है ठीक है, ग्रो करना है, फिर तो आपको ना यार सीधी सी बात है आपको रील्स ज़्यादा पोस्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फोटोज़ पोस्ट करोगे तो उतना अच्छे से ग्रो नहीं होएगा या ग्रो होएगा ही नहीं। तो इंस्टाग्राम खुद को टिकटॉक बन रहा है अब, ठीक है, तो आपको भी टिकटॉकर बनना पड़ेगा, ठीक है, तो आपको रील्स बनानी पड़ेगी। तो मैं भी रील्स बनाऊंगा अच्छे से एकदम, बाइक्स के ऊपर ये वो फलाना धमका, ठीक है, जो भी होता है, बट रील्स बनेगी अब। तो रील्स को ज़रूर सपोर्ट करें और बढ़िया रील्स बनाऊंगा, ऐसे भी नहीं कि भाई आप बस नाजायज ही देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होएगा। रील्स बनाऊंगा क्वालिटी वाली, बाइकर्स के वाली है ना, बाइकर्स वाली। बाकी चल रहे हैं घर को यार, अब मौसम बड़ा अच्छा होगा। मैंने यार अब ना सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है ना धीरे धीरे, तो मेरे ब्लॉग्स थोड़े जल्दी आएंगे, थोड़े ज़्यादा आएंगे, क्वांटिटी में आएंगे, ठीक है। मेरा खुद का मन करता है ब्लॉग्स बनाने का, व्यू आए ना आए फर्क ही नहीं पड़ रहा अब, ठीक है। बस अब यू है कि भाई ब्लॉग्स बनाते रहो, ठीक है। तो बस आपने ब्लॉग्स देखने, सपोर्ट करना, अच्छे लगे तो बताना कमेंट करके। तो गाइज अब मैं चल रहा हूँ घर को, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।